वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं बेबी के लिए बहुत ही प्यारा सूज बनाऊंगी, तो चलिए मैं वो बनाती हूँ। तो उसके लिए ये हमने एक रुमाल लिया है, हैंकी, इस तरीके का हैंकी आपके पास भी होगा ही, तो इसी से मैं बनाऊंगी। तो इसके लिए हमें एक पेपर लेना है, तो यहाँ हमने एक पेपर ले लिया। इस पर हमें साइज ड्रॉ करना है, हमें कितने साइज की रखनी है। तो एक पहले आप पेपर ले लें, उस पर आप साइज ड्रॉ कर लें। तो यहाँ से हम लेंगे 11 सेंटीमीटर और एक मार्क लगा लेंगे 11 सेंटीमीटर पे, और यहाँ से इस लाइनिंग को सीधा ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम पेपर पे मार्क लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे 8 सेंटीमीटर ये, फिर यहाँ से 8 सेंटीमीटर, और इसको हम एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम इसी में शेप देंगे। तो हम इसमें शेप कैसे देंगे वो देखिए। तो इस तरीके से हमें लेना है और इस तरीके से शेप देना है ये, और ऊपर का साइज हमें, ये वाला साइज हमें 4 सेंटीमीटर का रखना है। तो यहाँ से हम 4 सेंटीमीटर 5 रख लेते हैं दोनों साइड से। तो एक यहाँ इस तरीके से और एक यहाँ, और इसी के अकॉर्डिंग हम मार्क लगाएंगे ये। अब इसको हम कटिंग करेंगे। ये देखिए, तो ये हमारी नाप हो गई। अब इसी नाप से हम फैब्रिक को कट करेंगे, तो चलिए वो कट करते हैं। तो ये नाप हो गई, अब क्या करनी है, ये हैंकी को इस तरीके से डबल करनी है और दोनों को हमें अलग अलग कर देनी है ये। तो ये हमने डबल कर लिया और दोनों को अलग अलग करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये देखिए, और अब हम एक वाइट कलर का फैब्रिक लिया है, ये इसी पे, ये जो हमने पेपर कट किया है इसी के साइज से हम ये वाइट वाले फैब्रिक को कट करेंगे। तो वो मैं कट कर लेती हूँ इसी साइज से। तो ऐसा ही शेप हम, इधर भी थोड़ा सा हमने गोल शेप दे दिया है। अब इसी को डालते हुए ये वाइट वाले फैब्रिक को थोड़ा सा बढ़ाते हुए कट कर लेंगे। हमें इसमें फोम डालना है, तो आप चाहें तो, अगर आपके पास फोम हो तो, मेरे पास ये इस तरीके का फोम है, तो मैं इसको इसमें डाल दूंगी। ये मेरे किसी सूट से निकला था, अगर आप सूट लेंगे, सूट कुर्ती तो कभी कभी रहती है, तो इस तरीके का हमने लिया है। तो इसी साइज का हम इसको भी कट करेंगे, ये कंफर्टेबल रहेगा बच्चों के लिए इस तरीके से ये, और यहाँ से उसके बाद इसको कट कर लेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम हटा देंगे। तो यहाँ हमने हटा दिया एक्स्ट्रे वाले को, अब ये वाले को इसके ऊपर हमें डालना है, और जो एक्स्ट्रा होगा उसके बाद उसको भी कट कर देंगे। तो इसके ऊपर हम इसको डालते हैं इस तरीके से, और एक कच्चा सिलाई पूरे गोलाई में लगा देते हैं। हमने इसमें एक रफ स्टिच लगा दी है। अब क्या करेंगे, ये वाले को लेंगे यहाँ इस तरीके से, साइड से हम इसमें सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, तो यहाँ हमने साइड से सिलाई लगा दिया है। अब इसको हम यहाँ बीच सेंटर कर लेंगे, ये बिल्कुल 0 साइज का है ये, और इसको यहाँ से लेते हुए ये हमने डबल किया, डबल सिलाई लगाया इस टाइप से, और ये वाले सिलाई को हमें यहाँ पे पीछे साइड, ये पीछे के साइड होगा, इस पे सेंटर लगाएंगे।
और पूरे गोलाई में सिलाई को लगा देंगे सेफ में। बहुत इजी है ये बनाना। जैसे इसका सेफ है बस उसी टाइप से सिलाई को लगाते जाना है। यहाँ एक्स्ट्रा धागा को कट करेंगे, इसको हम पलट लेंगे। ये देखिए, उसके बाद हमें यहाँ पे इसको फोल्ड करके हमें फ्लावर लगानी है, तो इसको हम फोल्ड करते हैं। ये इसको फोल्ड करके इसमें हम इलास्टिक डालेंगे, तो पहले इसमें सिलाई लगा लेते हैं और इलास्टिक डालेंगे। इसी टाइप से हमें बनानी है, पूरे गोलाई में ऊपर का फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। थोड़ा सा हमें छोड़ देना है जिधर से हम इलास्टिक डालेंगे, तो हमने थोड़ा सा ओपन रख दिया है। और इसमें हम सेफ्टी पिन की हेल्प से इलास्टिक डालेंगे, तो वो मैं डालकर दिखाती हूँ। इसमें इलास्टिक डलाएगा, तो यहाँ पे हमने रबर लिया है इलास्टिक, इसी को हम इसमें डालेंगे। उसके बाद मैं इसको डेकोरेट करूँगी, फ्लावर लगाऊंगी। तो इलास्टिक को लगा देते हैं। तो ये हमने सेफ्टी पिन ले लिया, इसी की मदद से हेल्प से हम इसमें इलास्टिक लगा लेंगे। इलास्टिक भी हमने लिया है, ये देखिए 6 इंच। और यहाँ पे जो हमने थोड़ा सा ओपन रखा हुआ था वहीं से हम इसको डालेंगे, तो वो मैं डाल देती हूँ। जैसा कि विंटर चल रहा है, तो 0 साइज की बेबी के लिए आप इसी टाइप से बनाएंगे। तो ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ अच्छे तरीके से। अब दोनों को स्टिच करेंगे। तो देखिए, ये वाले हमने पिन को यहाँ से खींचना है, इसको पकड़े रहना है यहाँ से, और यहाँ से इस तरीके से इलास्टिक को लेना है, और ये जो है इसको हटा देना है। और यहाँ पे आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं, चाहे तो गांठ भी लगा सकते हैं। तो मैं सिलाई को लगा देती हूँ दोनों को पकड़ के। तो अभी मैं गांठ लगा लेती हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हमने इसको गांठ लगा दिया है, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये तो यहाँ पे हमने गांठ लगा दिया। अब यहाँ देखिए, अब इसको हम डेकोरेट करेंगे। यहाँ पे ये बहुत प्यारा सूज बनेगा, ये देख रहे हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ इस टाइप के बनाए हैं, ये तो हम एक में 4 लगाएंगे। तो ये हम कैसे बनाए हैं तो मैं बताऊँगी। ये मैं इसकी हेल्प से बनाई हूँ, तो इसको हम कैसे बनाते हैं वो भी मैं, ये वाले देखिए धागे को हमने पूरे अच्छे तरीके से लपेट लिया है और इसी को हम बांधकर और इस टाइप का बनाते हैं। तो अगर आपको ये भी सीखना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगी। तो अब यहाँ पे हम ये फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इसको चिपकाएंगे, तो वो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। बीच इसके सेंटर यहाँ पे करेंगे, ये 4 या 5 हम लगा देंगे इसको। तो ये हमने येलो कलर की बनाई है, एक इधर लगाएंगे, 3 भी आप लगा सकते हो, ये फिर एक इधर। तो मुझे 4 लगानी है।
ये देखिए इस टाइप से, तो आप तीन भी लगा सकते हो, चार भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमने तीन लगाया है, एक एक्स्ट्रा है, तो इसको हटा देते हैं, मुझे तीन पे ही सेट हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके के ये शूज बनकर रेडी है, कितनी प्यारी लग रही है। तो चलिए सेम इसी तरीके से दूसरे को बनाते हैं, इसको जब तक सूखने रख देते हैं। अब बनाएंगे तो एक बार मैं फिर से आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। अगर आप जो अलग अलग पार्ट्स करते हैं तो आपकी एक साइड से तो स्टिच रहती है, तो आप वो स्टिच वाले को इधर वाले को और इधर वाले को सिलेंगे, और बिना जो स्टिच है उसको आप नीचे की तरफ से सिलेंगे। तो इसको मैं सिल देती हूँ ऊपर से, ये वाले फिर से दोबारा सिलकर दूसरा बता रही हूँ, दूसरा वाला सूच। अगर आपको समझ में नहीं आई हो इसलिए मैं दूसरा वाले को भी स्टिच करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमने इसको ले लिया, नीचे वाले हमने जो रेडी किया था ये, और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको सेंटर पॉइंट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट करेंगे ये। तो फ्रेंड्स जो हम सेंटर पॉइंट करेंगे तो ये स्टिचिंग वाला जो पार्ट्स है ये वाला, ये हम सेंटर पॉइंट पे डालेंगे इस तरीके से। ये जो डबल होता है स्टिचिंग के बाद ये जो, तो हाफ इधर और हाफ इधर, सेंटर पॉइंट के हाफ उधर और हाफ इधर करेंगे, और पूरे गोलाई में सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये देखिए कैसे लगता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से बहुत प्यारी ये सूज बनती है। तो मैं दूसरे वाले को भी स्टिच करके दिखा देती हूँ ताकि आपको एक में समझ नहीं आई हो तो दूसरे वाले में समझ आ जाए। पूरे गोलाई में बिल्कुल अच्छी तरह से, इसमें ज़्यादा लूजिंग देते हुए सिलाई करना है, खींचना बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए इस टाइप से रखते हुए इसमें हमने सिलाई लगा दिया ये। अब ये चली जाएगी आपको अंदर की तरफ और इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए कुछ इस टाइप की आती है ये सेप। एग के सेप में हमें कटिंग करना है अंडाकार में। अब इसको उसी तरह फोल्ड करके हम इसमें भी डाल देते हैं लास्टिक। इसमें भी हाफ हाफ इंच हमें छोड़ते हुए सिलाई लगा देना है। हम इसलिए सिलाई हाफ हाफ इंच छोड़ते हुए लगाएंगे ताकि हम उधर से लास्टिक डाल सके। तो पूरे गोलाई में हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए सिलाई लगाते हैं इस टाइप से। अब यहाँ पे हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा, ये देखिए हाफ इंच यहाँ पे छोड़ा है जो कि हम लास्टिक डालेंगे, तो वो डालते हैं। तो सेफ्टी पिन की हेल्प से इसमें डालेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हमने पिन ले लिया, इसमें हमने इसको रख लिया, लगा दिया। अब इसकी हेल्प से मैं पूरे में डाल दें, तो हमने इसमें डाल दिया ये देखिए, ये वाला इलास्टिक है। यहाँ पे आप इसको भी सिलाई करके अच्छे से स्टिच कर लें ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। अब हमें क्या करनी है, यहाँ पे लगानी है वो जो हमने ये बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसकी बनाने की मेथड मैं बताती हूँ कैसे बनेगी। आपके पास कोई ऊन है या कोई धागा है तो उसी से आप तीन से चार बार ये हाथ पे इस तरीके से कर लीजिएगा, तो वो मैं बता रही हूँ। जितना मोटा साइज आपको बनाना है, तो मैंने 10 से 15 बार कर लिया है। यहाँ से हम इसको काट देंगे, काटने के बाद इसको हम इस तरीके से लेंगे यहाँ, ये देखिए ये भी, और इसको हम बीचों बीच बांध देंगे ये। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको हमें बीचों बीच बांध देनी है कि हमारा धागा खुले नहीं। तो यहाँ पे हमने इसको बीचों बीच बांध दिया है, और यहाँ से इसमें हम गांठ लगा लेंगे, लॉक कर देंगे गांठ लगाकर। तो इस वाले धागे से इसको एक दूसरे को बांध देंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, मजबूत से। तो यहाँ पे हमने इसको बांध दिया था। यहाँ पे अब इस ट्रे को कट करेंगे ये। इसी तरीके से आप किसी भी ऊन से बना सकते हैं, तो मैं उसको साइड कर दी। अब इसको कट कर लूँगी दोनों साइड से ये, बहुत इजी मेथड है। अब इसको क्या करेंगे हम, अब इसको इस टाइप से खोल देंगे और इधर से इसको खोल देंगे।
ये, तो इसी टाइप से हमें बनानी है। तो ये हम बना लिए। अब इसी तरीके से आपको जितनी भी लगानी है उतना आप बनाकर लगा सकते हो। इस टाइप से हमने बनाया हुआ है। अब इस पे हम लगाएंगे कैसे वो देखिए। तो ये सूच का हम बीच सेंटर लेंगे ये, और दोनों का साइज हम देख लेंगे बराबर होनी चाहिए। और उसके बाद हम फैब्रिक ग्लू लेंगे। आप चाहें तो हैंड स्टिच भी कर सकते हो। और यहाँ पे हम इसको बैठा देंगे। तीन हमें लगानी है, चार भी आप लगा सकते हो, तीन चार लगा लेना है। यहाँ पे एक, और एक यहाँ पे लगा देते हैं। चाहे तो आप चार भी लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स इस टाइप से ये होती है रेडी। कितनी प्यारी लग रही है ये देखिए। तो मैं इसमें एक और लगा लूंगी। ये देखिए हमारी दोनों रेडी हो गई है। तो कितनी प्यारी हमारी दोनों ये सूज लग रही है। तो ये आपको कंफर्टेबल भी होगा। आप जीरो साइज की बेबी को आप अच्छे से पहना सकते हैं। ये बिल्कुल कॉटन का हुआ, तो ये बहुत नीचे भी हमने कॉटन का ही फैब्रिक लगाया है, क्योंकि बच्चे को आप कॉटन का ही पहनाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आई होप आज की ये सूच की कटिंग स्टिचिंग आपको पसंद आई होगी। कितनी प्यारी लग रही है, आप सबको भी ज़रूर प्यारी लगी होगी। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये सभी को हेल्पफुल हो सके। छोटे बच्चे के लिए बहुत यूज़फुल है। तो आई होप आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में कोई और डिज़ाइन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय ऑल।